हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आसुस टफ गेमिंग लैपटॉप की सीरीज के बारे में जानने वाले कि ये जो आसुस टफ गेमिंग की जो सीरीज है, इस सीरीज में हमें कौन कौन से लैपटॉप देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें हमें कौन कौन से गेमिंग के बढ़िया बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं और इनकी प्राइस रेंज क्या है, पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करके ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। इस लैपटॉप में हमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, और साथ ही जब भी हम कोई गेमिंग लैपटॉप को परचेस करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले रिफ्रेश रेट देखते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे गेम है वो और ज़्यादा बढ़िया चलेंगे। तो ये जो गेमिंग लैपटॉप है Asus का A15, इसमें हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और IPS लेवल का पैनल मिल जाता है, जिससे हमारा जो लैपटॉप है और ज़्यादा बढ़िया काम कर जाता है। इस लैपटॉप के अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसमें हमें नैनो बेजल मिलते हैं, मतलब एकदम स्लिमलेस डिज़ाइन हमें इस लैपटॉप में मिल जाता है, जिसकी मदद से ये लैपटॉप देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग जाता है। अगर इसके गेमिंग प्रोसेसर के बारे में बात करें, जो कि सबसे मेन हिस्सा हमारे लैपटॉप का बन जाता है, वो है राइजन का 7। इसकी मदद से हमारे जो लैपटॉप की गेमिंग है वो एकदम नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है, और साथ ही इसमें हमें 6GB तक का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। और अगर इसके रैम के बारे में बात करें तो ये जो आसूस का A15 लैपटॉप है, इसमें हमें 16GB रैम और 1TB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। और अभी हमने जैसे देखा कि इसमें हमें राइजन का गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही इसमें हमें NVIDIA का भी चिपसेट मिल जाता है, जिसकी मदद से हमारे गेमिंग को और ज़्यादा ताकत मिल जाती है। आसूस के इस लैपटॉप में हमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है, साथ ही इसके अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 4 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट हमें इस लैपटॉप में मिल जाता है। जब भी हम हमारे लैपटॉप पर गेमिंग कर रहे हो और हमें ठीक से आवाज़ नहीं आए तो गेम खेलने में कोई मज़ा ही नहीं रहता। इसी को ध्यान में रखते हुए आसूस ने इस लैपटॉप में पावरफुल स्पीकर्स लगाए, जिसकी मदद से हमें एकदम लाउड और क्लियर साउंड हमारे लैपटॉप में सुनाई देता है और गेम खेलने में भी और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। जब भी हम हमारे लैपटॉप पर गेम खेल रहे हो और हमारा लैपटॉप ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए हमें आसूस की तरफ से डुअल फैन कूलिंग डिज़ाइन मिल जाती है, जिसकी मदद से हमारा लैपटॉप ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता और हम दिन भर आराम से इजीली गेम भी खेल सकते हैं, और हमारा जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाता। और डिज़ाइन की मदद से, हमारे प्रोसेसर की मदद से हमारा जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है, जो लैपटॉप का गेमिंग का एक्सपीरियंस है, वो एकदम बढ़िया और नेक्स्ट लेवल हो जाता है। साथ ही अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करती है, जो लैपटॉप है इसकी प्राइस है 1,17,000 रुपीज़। दूसरा टफ गेमिंग लैपटॉप है F15। ये जो लैपटॉप है इसमें हमें 15.6 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही एंटी ग्लेयर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी मदद से हम जब भी गेम खेले तो इजीली हम हमारे गेम के ग्राफिक्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। और साथ ही इसका जो रिफ्रेश रेट है वो हमें 68 का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यह स्टार्टिंग वेरियंट है, इसके भी हमें 2 से 3 वेरियंट ईजिली मिल जाते हैं, इसका भी हमें हाई एंड भी मिल जाता है। तो अगर इसके विंडोज़ के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है F15, इसमें हमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है, साथ ही जो गेमिंग का प्रोसेसर है वो हमें NVIDIA GeForce गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी मदद से हमारी जो गेमिंग वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और इसके अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें, जो F15 लैपटॉप है इसमें हमें कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी मदद से हमारे गेमिंग के साथ हमारे लैपटॉप एकदम स्मूथ चल जाता है, और प्रोसेसर की मदद से वो जो लैपटॉप है वो ज़्यादा मतलब बेहतर तरीके से और ज़्यादा परफॉर्म कर जाता है। साथ ही इसके अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, ये जो लैपटॉप हमें F15 Asus कोर से मिल जाता है, इसमें हमें 3 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट मिलता है, और गेम खेलते वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना आए, और हमें साउंड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, इसलिए हमें इसमें साउंड क्वालिटी भी इनबिल्ट मिल जाती है, जिसकी मदद से साउंड एकदम क्लियर और लाउड सुना देता है और हमें गेम खेलने में और ज़्यादा मज़ा भी आ जाता है। साथ ही अगर इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है F15, इसमें हमें 8GB प्लस 512GB का स्टोरेज मिल जाता है और 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग A15 का लास्ट स्टार्टिंग वेरियंट है, इसमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, इसमें हम और ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड भी हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब जो भी TUF गेमिंग के सीरीज लैपटॉप है सभी में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इजीली मिल जाता है। तो जो लैपटॉप है इसके अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 68,990 रुपीज़। तीसरा लैपटॉप है Asus टफ गेमिंग का A17 लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है इस लैपटॉप में हमें 17.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इस लैपटॉप में हाई एंड गेम्स भी इजीली खेल सकते हैं। और इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें
विंडोज़ 10 इजीली मिल जाती है, मतलब सभी लैपटॉप में हमें विंडोज़ 10 मिल जाते हैं और इसमें भी हमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो हमें i7 और 10 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इसमें गेमिंग और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया तरीके से खेल पाते। और अगर गेमिंग के जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है इसमें हमें एनवीडिया का GeForce ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से हमारे गेमिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाती है। और इसकी जो कनेक्टिविटी वो हमें 3 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही जो बाकी के पोर्ट्स होते हैं जैसे कि लैन केबल, साथ ही अपना जो चार्जर कनेक्ट करने का अडैप्टर है वो भी हमें इसमें मिल जाता है, साथ ही फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें इसमें इजीली मिल जाता है और लॉन्ग लाइफ बैटरी हमें इस लैपटॉप में प्रोवाइड की गई है। साथ ही अगर इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें हमें साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट मिल जाती है, जैसे कि हम एकदम गेमिंग खेलने के वक्त साउंड क्वालिटी हमें एकदम इमर्सिव साउंड क्वालिटी मिल जाती है, जिससे हमें गेम खेलने में और ज़्यादा मज़ा भी आ जाता है। और इसमें हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं, और साथ ही 16GB का रैम और 512GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ग्राफिक्स कार्ड हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग के साथ ही अभी अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं, ये जो लैपटॉप है इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 89,990 rupees से। ASUS का नेक्स्ट गेमिंग लैपटॉप है FX505GT लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है इसमें हमें 15.6 inch का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इस लैपटॉप में प्रोवाइड की गई है, और साथ ही इसका जो प्रोसेसर है वो हमें i5 प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब इंटेल का i5 प्रोसेसर जो कि 9th जनरेशन का हमें इस लैपटॉप में प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही अगर इसके ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो एनवीडिया का GeForce ग्राफिक्स का जो प्रोसेसर है वो मिल जाता है। साथ ही इसके अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें जिसकी मदद से हम इस लैपटॉप को इजीली कौन सा USB HDMI पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं तो इसमें हमें 3 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट मिल जाता है, जिन्हें हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बाकी के जो पोर्ट्स हैं जैसे कि चार्जर वगैरह जो हमें कनेक्ट करना है वो भी हम इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब सभी लैपटॉप में हम सभी चीज़ें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके स्पीकर भी बहुत ही पावरफुल और बढ़िया हमें मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम गेमिंग को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक बढ़िया से एंजॉय कर पाते हैं। अगर इसके जो स्टोरेज है उसके बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है इसमें हमें 8GB रैम और 512GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है, और साथ ही 4GB का ग्राफिक्स कार्ड हमें इसमें मिल जाता है, जिससे हम इजीली 32GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। और इसमें हमें जो फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लॉन्ग लाइफ मतलब डेली हम इजीली लैपटॉप को खेल सकते हैं, लॉन्ग लाइफ हम इसमें गेम खेल सकते हैं। और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी हमें एकदम पावरफुल मिल जाता है। चार्जिंग के साथ ही हमें कूलिंग की जो टेक्नोलॉजी वो भी हमें एकदम बढ़िया मिल जाती है, जिसकी मदद से हमें गेम खेलते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और इसका जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है इसकी मेमोरी के कारण इसका गेमिंग का परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया हो जाती है। और इसका जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होते हैं 73,990 rupees से। हमारा लास्ट इस लिस्ट का लैपटॉप है ASUS का FX505DDDT, ये मॉडल नंबर है। इसके बारे में अगर जाने तो ये जो लैपटॉप है इसमें हमें 15.6 inch का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसकी जो डिज़ाइन है वो हमें नैनो एच डिस्प्ले मिल जाता है, जिसकी मदद से हमें ये लैपटॉप देखने में और ज़्यादा बेटर और अट्रैक्टिव लग जाता है, और ये लैपटॉप भी एकदम स्लिम और बेस्ट हमें दिखता है। और इसकी जो IPS अल्ट्रा वाइड व्यूइंग टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से जब भी हम गेम खेले तो कोई दिक्कत हमारे आंखों को नहीं आती, या गेम खेलने में भी और ज़्यादा बेटर हमें एक्सपीरियंस हमें इस लैपटॉप में मिल जाता है। इस व्यूइंग के एक्सपीरियंस के साथ ही इसमें हमें 3GB का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है, जिसे हम इजीली एक्सपांड भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही Ryzen का 5 प्रोसेसर हमें इस लैपटॉप में मिल जाता है, जिसकी मदद से हमारे लैपटॉप को एक अलग ही ताकत मिलती है। और अगर इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप हमें ASUS की तरफ से मिल जाता है वो मिलता है 8GB रैम के साथ, और 1TB हार्ड डिस्क हमें इस लैपटॉप में मिल जाती है। और SSD के बारे में बात करें तो 256GB की SSD हमें इस लैपटॉप में प्रोवाइड की है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है ASUS का FX505, इसमें हमें विंडोज 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। इस लैपटॉप का जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है वो एकदम बढ़िया और नेक्स्ट लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस वेरिएंट में मिल जाता है, जिसकी मदद से हम गेम खेलने में भी और ज़्यादा मज़ा इस वेरिएंट में आ जाता है। ये स्पेशल वेरिएंट हमें ASUS की तरफ से मिल जाता है, जिसमें हमें 3 USB पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट इसमें इजीली मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इसमें कुछ भी मतलब USB इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI में इसमें इजीली कर सकते हैं। और इसका बैटरी का भी सपोर्ट हमें इसमें एकदम बढ़िया मिल जाता है, साथ ही साउंड का भी सपोर्ट हमें इसमें एकदम बेस्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस है 65,914 rupees। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो
पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।